पुणे पोर्च कांड के बाद यूपी की कानपुर पुलिस भी एक्शन में आई है। यहाँ एक नाबालिग ने पिछले साल अक्टूबर में दो बच्चों को कुचल दिया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की जांच भी हुई, लेकिन समझौते के बाद नाबालिग को छोड़ दिया गया। पिछले महीने ही उसने एक अन्य दुर्घटना में चार लोगों को कुचल दिया। पुणे की घटना सुर्खियों में आने के बाद आखिरकार नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा एक्सीडेंट क्या, मेरा भाई वहीं पे मैगी बैठे खा रहा था, तो उन्नाव की तरफ से तेज रफ्तार में गाड़ी आके, मतलब एक तरफ उन्नाव लगता है, एक तरफ कानपुर लगता है, तो उन्नाव की तरफ आके गाड़ी उन्नाव से आ रही थी, कानपुर की तरफ होके दो तीन दुकान तोड़ते हुए दोनों को टक्कर मार दी गई। कितने लोग थे उसमें? चार लोग थे। और सब उम्र छोटी थी सबकी? छोटे ही थे, 17 साल से कोई ऊपर नहीं था। 17 साल की कोई ऊपर कोई नहीं था। आपके जो भाई की मौत है वो मौके पे हो गई थी या फिर इलाज? मेरे भाई की मौत मौके पर हो गई थी, और जो आशीष था मेरे भाई का दोस्त, उसकी 2-3 घंटे बाद मौत हुई थी। दोनों जो लड़के थे, एक उसमें से आपका भाई भी था, क्या करता था उस दिन वहाँ पे, क्या कर रहा था उसके बारे में थोड़ा बताइए, जिसने अपनी जान। भाई वो जो था मैगी पॉइंट में काम करता था, तो मतलब हम लोग रोज गा रहे हैं, जैसे कि कभी ईंट गारा कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो वो मैगी की दुकान में काम करता था। तो उसके बाद फिर मैगी की खाने गया था, वहाँ पे आशीष था जो भाई का दोस्त था, तो वो दोनों बैठे मैगी खा रहे थे, उन्नाव की तरफ से तेज रफ्तार आते हुए जब ब्रेक फोले हुई चाहे जो उनको लोग को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय लड़के की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से पिछले साल दो बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उसे बुधवार को हिरासत में लेने के बाद बाल गृह भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर से खास बातचीत की गई। सुनिए क्या बोले कानपुर पुलिस के कमिश्नर अखिल कुमार। ये अभी कुछ दिन पूर्व हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व था गाड़ी चलाते हुए, तो हम लोगों ने पता लगाने के लिए कहा गया। उसमें एक CCTV फुटेज मिला जिस बच्चे की पहचान हुई। उस पहचान होने के बाद में पता चला कि ये बच्चा किसी और एक्सीडेंट में जो बहुत गंभीर था, जो हाल में एक्सीडेंट हुआ उसमें डेथ नहीं हुए थे, लेकिन अक्टूबर में जो एक्सीडेंट हुआ वो काफ़ी सीवियर था, उसमें दो अन्य लोग बच्चे, उस स्थानीय बच्चे थे वो भी, उनकी डेथ हो गई है, और उसके बाद उस केस में प्रोग्रेस नहीं हुआ है फॉर मेनी रीजंस। तो हम लोगों ने क्विकली स्विफ्टली एक्ट करने के लिए कहा है दोनों के प्रकरण में, क्योंकि एक बड़ा ही चिंताजनक विषय था कि एक बच्चा जो पहले ही जिस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी वो पुनः घटना कर रहा है, गाड़ियां चला रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको गाड़ी दे रहे हैं और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि एक बार दो बच्चों को कुचलने के बाद जब वो नाबालिग बच गया तो फिर क्यों उसको गाड़ी दी गई। इसी वजह से नाबालिग के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। डेफिनेटली हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट यही कर रहे हैं कि इनके गाड़ी एक्सेस कैसे हो रही है और बार बार कैसे हो रही है, और इनके पेरेंट्स जो भी होंगे जो इसके लिए लायबल होंगे और जिन्होंने बार बार ये गाड़ी उपलब्ध कराई है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो उनके खिलाफ भी हम सूटेबल एक्शन अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर 28 अक्टूबर के हादसे में मारे गए दो बच्चों के परिजनों का दर्द छलका है। परिजनों का कहना है कि हमें बताया गया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमें ये नहीं पता था कि आरोपी को छोड़ दिया गया है। गिरफ्तारी हो गई है, मतलब ये बताया जा रहा था वहाँ के कि मतलब गिरफ्तार होंगे, जिनको समय वो मतलब लगेगा 2-3 दिन तो वहाँ पे रखे हुए थे, तो उसके बाद कह रहे थे कि जेल भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद पता चला था कि मतलब जमानत वहीं से हो गई है। आप लोग को बताया गया कि उसको वहाँ पे जेल भेजा जाएगा, इस तरीके की कार्रवाई होगी? हाँ, होगी। उसकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, कोई अरेस्टिंग नहीं? वो क्या जो लड़का था उसको जरूर जेल भेजा जाएगा, और जो तीन बैठे थे उनको, उनकी कोई गलती नहीं।